बदला जा सकता है डबल डेकर एक्सप्रेस ट्रेन का रूट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शहनवाज और आप देख रहे हैं दी शहनवाज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में डबल डेकर एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में बात करेंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, एक बार फिर से प्रिंट मीडिया की तरफ से खबर निकल कर सामने आ रही है कि डबल डेकर एक्सप्रेस ट्रेन का रूट बदला जा सकता है। लखनऊ सिधौली सीतापुर के रास्ते आनंद विहार के लिए डबल डेकर एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा सकती है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा, हम आप सभी को पूरी जानकारी देंगे आज की इस वीडियो में जो प्रिंट मीडिया में खबर निकल कर आई है। ये खबर 15 अक्टूबर 2022 को प्रकाशित हुई है, तो आप सभी को सुनाते हैं पूरी खबर आज की इस वीडियो में। यात्रियों की कमी के कारण घाटे में चल रही डबल डेकर 12583/84 के नए रूट पर असमंजस बरकरार है। यात्रियों की संख्या बढ़ाने के मकसद से डबल डेकर को लखनऊ आलमनगर बरेली के बजाय लखनऊ महबुल्लापुर सिधौली सीतापुर रूट से दिल्ली तक चलाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण बढ़ने पर संचालन शुरू नहीं हो सका। इस बीच सीतापुर रूट पर विद्युतीकरण भी पूरा हो चुका है। ऐसे में शनिवार को पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ए.के. मिश्रा निरीक्षण के बाद इसके रूट की तस्वीर साफ हो सकती है। लखनऊ से दिल्ली के लिए सुबह 4:55 पर डबल डेकर के साथ ही तेजस एक्सप्रेस 82501 6:10 पर और गोमती एक्सप्रेस 12419 5:45 पर चलती है। सुबह सुबह पहले चलने के साथ ही दूसरे विकल्प होने के कारण डबल डेकर में यात्रियों की कमी रहती है, जबकि सीतापुर रूट पर गोरखपुर मिलानी 15009 के अलावा कोई बड़ी ट्रेन नहीं है। ऐसे में डबल डेकर को इस रूट पर चलाने की योजना बनाई गई थी। पूर्वोत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम अंबर प्रताप ने बताया कि डबल डेकर को लेकर कोई भी निर्णय बोर्ड स्तर से हुई होगा। वहीं सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि नए रूट पर विचार किया गया था, हालांकि कुछ दिक्कतों की वजह से अमल में नहीं लाया जा सका। 30% तक आमदनी बढ़ने की उम्मीद। डबल डेकर का नए रूट पर संचालन शुरू होने से आमदनी में 30% बढ़ोतरी की उम्मीद थी। वर्तमान में डबल डेकर हफ्ते में 4 दिन रविवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को चलाई जाती है। त्यौहार सहित कुछ खास मौके को छोड़ दें तो ज़्यादातर फेरों में काफ़ी कमी रहती है। तो दोस्तों, ये खबर प्रिंट मीडिया में निकल कर आई है 15 अक्टूबर को। हमने वीडियो में कटिंग भी लगा दी है और जो भी खबर निकली थी वो हमने आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से बताया है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि डबल डेकर एक्सप्रेस ट्रेन का रूट बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। फ़िलहाल मेरे हिसाब से एक ट्रेन ज़रूर सीतापुर लखनऊ रेल प्रखंड पर दिल्ली के लिए होनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।